तो आपने मेन फोकस जो है वो इस ग्राफ पे ही रखना है और इस ग्राफ से ही हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने प्रीवियस क्लियर किए थे वो किस तरीके से फुलफिल होंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में अगर आप देखें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग में जब टाइम ज़ीरो था जब जीरो मिनट टाइम था उस वक्त अगर हम रेट की बात करें तो चूंकि रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा थे रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा थी और प्रोडक्ट जीरो टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थे तो ये ऊपर वाली कर्व जो है ये कर्व शो कर रही है फॉरवर्ड रिएक्शन को और जो नीचे वाली कर्व है ये कर्व शो कर रही है रिवर्स रिएक्शन को एट टाइम जीरो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी ठीक है ये जो लाइन एक्स वाई एक्सिस की है ये वाई एक्सिस की रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर रही है तो एट टाइम जीरो जब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा थे तो इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो भी बहुत ज़्यादा है ठीक है वेरी फास्ट रेट और उसी वक्त अगर हम जीरो टाइम पर ऑब्ज़र्व करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़ीरो है क्योंकि प्रोडक्ट अभी ज़ीरो है ठीक है ग्रेजुअली एज टाइम पासिस जैसे टाइम गुजरता जाता है टेन मिनट्स पे अगर हम टेन मिनट्स पर ऑब्जर्व करें तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा कुछ ना कुछ हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम प्रोडक्ट की तरफ देखें प्रोडक्ट की बात करें तो टेन मिनट्स के बाद प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो बन चुकी है ठीक है इसीलिए हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डिक्रीज होना शुरू हो गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सो ग्रेजुअली ये प्रोसेस चलता ही रहता है और एक पॉइंट ऐसा आता है इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं और इस पॉइंट पर हम कंसिडर करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो चुका है और इक्विलिब्रियम में क्या होता है रेट ऑफ फॉर्वर्ड रिएशन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू इच अदर ठीक है और जो रिएक्टिंग जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें तमाम कंटेंट्स की जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट हो जाती है हम इसके एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं जो कि रिलेट करिए विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अब चूंकि uh, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और रिवर्स रिएक्शन भी होगा जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो उस वक्त हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं एट द सेम टाइम जब इक्लेबियम अटेन हो चुका होता है उस वक्त रिवर्स रिएक्शन के केस में हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेकअप होता है और इसके टूटने की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से बन जाती है ठीक है तो ये रिएक्शन हम डिटेल में एज एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद हम देखेंगे कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करा होता है और उसके बाद रिवर्स रिएक्शन भी जो है वो प्रोसीड हो रहा है और एक भी अटेन हो चुका है उस वक्त रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है ठीक है तो तीन स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में रिएक्शन रिएक्टेंट्स uh, और प्रोडक्ट्स की क्या क्वांटिटीज़ हैं जब रिएक्शन प्रोसीड करा है उस वक्त जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज क्या हैं और अल्टीमेटली फाइनली हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इन द बिगनिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में एट द बिगनिंग ठीक है इस वर्क जो रिएक्टेंट है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होगा एज़ टू द रिवर्स रिएक्शन अगर हम बात करें कि रिएक्शन जब प्रोसीड हो चुका है तो आ, उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली ड्रीजेज वायर द प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग सेम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होती जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा अल्टीमेटली द टू रेट्स विल बिकम इक्वल टू ईच अदर द विल सेट अप एंड द दंसनट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बिकम कॉन्सटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक इन दिस रिएक्शन यू कैन सी तो अल्टीमेटली फाइनली जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका उस वक्त हमारे पास दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे और उस वक्त हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज थी यानी हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये तीनों स्पीशीज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी उसके बाद छोटा सा एक डिफरेंस है जो कि माइक्रोस्कोपिकॉर्वर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है इस डिफ्रेंस में फोर पॉइंट्स आपको बताए गए हैं एज अ डिफरेंस और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लर्न करोगे डिस्कस कर लेते हैं इसको फर्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड रिएक्शन में इट इज ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स ठीक है फॉरवर्ड मूव करेगा तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स बेसिकली प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं साथ ही साथ अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन चूंकि रिवर्स में मूव करता है ट कर रहे होंगे और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे डायरेक्शन में जो रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है और रिवर्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स डॉन इज्लिजिबल निगलिजिबल मीन ना होने के बराबर बहुत कम फॉरवर्ड रो है इट्स स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड रिवर्स डिरेक्शन जो है इट्स अप ग्रेजुअली दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रियक्शन एंड रिवर्स रियक्शन और ये कम्प्लीट टॉपिक था जो कि ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन से रिलेट कर रहा है इस कम्प्लीट टॉपिक को आप विद अ ग्राफ अच्छे तरीके से लर्न uh, कर लीजिएगा और ग्राफ की प्रैक्टिस भी मस्ट आपने करनी